HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ग्वालियर में किसान ऋण घोटाले में एप्पल से खुलना हुआ शुरू, बिना लोन लिए ही किसानों को बनाया गया कर्जदार। अमेठी में चल रहे जमीनी विवाद को लेकर पूर्व विधायक के बेटे ने लगाई चौपाल। लखीमपुर खीरी में शासन द्वारा किसानों के लिए लगवाई जा रही पौधशाला, लगाई जा रही 2 लाख पेड़ों की पौधशाला। प्रयागराज में जवाहरलाल क्रिकेट क्लब ने किया क्रिकेट का आयोजन, 10 दिनों से भव्य क्रिकेट का किया गया था आयोजन। और सिद्धार्थनगर में सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों ने महाहड़ताल के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर दिया 1 दिवसीय धरना। और अब रुख करते हैं खबरों की ओर। ग्वालियर में प्रदेश के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने माना है कि किसान ऋण घोटाले में पिछले कई सालों से एक बड़ा रैकेट काम कर रहा था। सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों के नाम पर घोटाला करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। ग्वालियर में प्रदेश के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने माना है कि किसान ऋण घोटाले में पिछले कई सालों से एक बड़ा रैकेट काम कर रहा था। सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों के नाम पर घोटाला करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। ग्वालियर में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए पशुपालन मंत्री लाखन सिंह ने कहा है कि किसान ऋण घोटाले में अब परतें खुलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र में भी कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने कभी लोन लिया नहीं, फिर भी उन्हें कर्जदार बना दिया गया। इस रैकेट में कौन काम कर रहा था उसका खुलासा करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। जल्द ही आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। मेरे क्षेत्र में ऐसे कई गांव हैं जहां अभी जे किसान ऋण माफी योजना के तहत जो है जो पंचायत स्तर पर जो सूची चस्पा की है, वो सूची में ऐसे लोगों के नाम है, ऐसे किसानों के नाम है जिन्होंने जीवन में कभी कर्जा ही नहीं लिया किसी बैंक से, उनके भी नाम है। तो इसको मैंने अभी कैबिनेट में उठाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लिया, और जिन लोगों ने उन किसानों के नाम पर फर्जी ऋण ले लिया है उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसमें इन्वॉल्वमेंट भी है सहकारिता के क्षेत्र का कुछ नेताओं, इसमें बहुत सारे लोग हैं, ये बड़ा रैकेट है और इस रैकेट का हम लोग पर्दाफाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में किसानों के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया है। पशुपालन मंत्री यादव ने कहा कि उन्होंने मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के समक्ष अपने विधानसभा क्षेत्र के फर्जी किसानों का मुद्दा उठाया। सरकार की कोशिश है कि जिन किसानों के नाम पर यह घोटाला किया गया उनका पर्दाफाश किया जाए, और इसके लिए सरकार गंभीरता से प्रयत्नशील है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सहकारी सोसाइटियों में भी कुछ ऐसे किसानों के नाम सामने आए थे जिन्होंने कभी लोन ही नहीं लिया, फिर भी उनके नाम कर्जदार किसानों की लिस्ट में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि कर्ज नहीं लेने वाले किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ग्वालियर से संवाददाता शिवम चौहान की रिपोर्ट HBN। अमेठी में चल रहे जमीनी विवाद को लेकर थाना शिवरतनगंज कस्बे में आए पूर्व विधायक मोहम्मद डॉक्टर मुस्लिम और उनके बेटे मोहम्मद साउद पूर्व प्रत्याशी विधानसभा तिलोई ने लोगों को इंसाफ का आश्वासन दिया। अमेठी में तहसील तिलोई थाना शिवरतनगंज कस्बा मजरे खरकपुर में जो पिछले कई दिनों में फारूक और अनीता साहू के बीच विवाद जमीनी विवाद चल रहा था, उसको लेकर तिलोई के पूर्व विधायक मोहम्मद डॉक्टर मुस्लिम के बेटे मोहम्मद सऊद ने शिवरतनगंज कस्बा में आकर चौपाल लगाई और लोगों को और फारूक अहमद को न्याय दिलाने की बात कही। उन्होंने मोहम्मद साहूद ने कहा कि फारूक के चल रहे जमीनी विवाद में जो तानाशाही और राजतंत्र के हिसाब से अनीता साहू का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, ये सरासर लोकतंत्र का अपमान है, और मैं भू विभाग अधिकारियों के इस मामले में बात जरूर करूंगा, और फारूक को इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग धरने पर भी बैठने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम तिलोई की जनता के साथ थे और हैं और हमेशा रहेंगे। इस मामले को लेकर क्षेत्र से सम्मानित लोग लालता प्रसाद यादव सपा प्रभारी तिलोई, गया प्रसाद DDC, रमेश अग्निहोत्री, बब्बू तिवारी, यहिया लेखपाल, रामकिशोर मौर्य, मकबूल मेराज, अहमद प्रधान, कई लोगों ने इस जमीनी विवाद में फारूक के साथ राजतंत्र के हिसाब से जो निर्माण कार्य अनीता साहू का करवाया जा रहा है इसके बारे में सभी लोगों ने कठोर नाराजगी जताई,
और संवाददाता राजेंद्र भाटी का सवाल, पूर्व विधायक के बेटे मोहम्मद सऊद के खिलाफ उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव होने के बाद से मोहम्मद सऊद पूर्व प्रत्याशी तिलोई को पहली बार तिलोई की जनता और गरीब मजदूरों की याद आई। अभी तक हमको लगता था कि मोहम्मद सऊद विदेश यात्रा में थे। खैर कोई बात नहीं, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। सऊद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेठी से संवाददाता राजेंद्र भाटी की रिपोर्ट HBN। लखीमपुर खीरी में तहसील गोकर्णनाथ के अंतर्गत वन रेंज गोला की रायपुर बहबहा बीट में मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार पौधशाला लगाई जा रही है, जो लगभग 2 लाख पेड़ों। जिला लखीमपुर खीरी के तहसील गोकर्णनाथ के अंतर्गत वन रेंज गोला की रायपुर बहबहा बीट में मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार पौधशाला लगाई जा रही है, जो लगभग 2 लाख पेड़ों की है। वन रेंज में मिले वन रक्षक राजकुमार से जब इस विषय में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा आदेश है कि हम सब उसी का पालन कर रहे हैं। हमारी रेंज में 2 लाख पेड़ों की पौधशाला लगाई जा रही है, जो काम चालू हो चुका है, जिसमें हर तरह के पेड़ लगाए जाएंगे और ये समय आने पर हर ग्राम पंचायत में किसानों को दिए जाएंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार। यहाँ आप किस पोस्ट पर हैं? हम वन रक्षक पद पे हैं। यहाँ पर कौन सा स्थान है? यहाँ पर रायपुर बैवा जी, रायपुर बैवा जी। सर यहाँ पे जो ये प्रदर्शनी वगैरह लगाई जा रही है, इसमें किस चीज़ के पेड़ लगाए जा रहे हैं और कितने पेड़ लगाए जा रहे हैं? नर्सरी के लिए जी, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है नर्सरी बढ़ाने के लिए, जो जुलाई के दरमियान प्रधान लोगों को भी आवश्यकता पड़ती है पौध की जी, और हमारे विभाग को भी ज़रूरत पड़ती है, हमें खुद ज़रूरत पड़ती है जी। इस पर्पज से यहाँ पर नर्सरी डाली जा रही है जी। नर्सरी इसमें 2 लाख पौधों की, 2 लाख पौधों की डाली जा रही है, पौधों की डाल रहे हैं जी। अब फिर इसमें जो पौधे ग्रामीणों द्वारा मांग की जाएगी उसके अनुसार बीज भी हम उपलब्ध कर रहे हैं, उन्हीं को हम जर्मिनेशन दे रहे हैं और प्लांटेशन बढ़ाने के लिए और वृक्षारोपण करने के लिए उन्हीं पौधों को हम जो है बढ़ावा दे रहे हैं जो हमारे जनता ग्रामीणों को ज़रूरत है जी जी। और जो जंगल वाले हमारे जो पौधा हैं वो हमारे, वो भी हमको इसी से पूर्ति करेंगे। जिस चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? चैनल से ये हम अपनी जो पौधशाला लगा रहे हैं यहाँ पर हैं 2 लाख की जी। जब ग्रामीण को ज़रूरत पड़ेगी, इसमें मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है जी जुलाई के महीने में, तो उनको पौधा यहाँ से ग्राम प्रधान उठवाएंगे जी। अच्छा, हमने देखा आपकी नर्सरी। साथ ही उन्होंने बताया कि शासन के आदेशानुसार हम लोग हर ग्राम पंचायत से किसानों को चिन्हित कर रहे हैं और उनके बैंक अकाउंट नंबर भी लिख रहे हैं। जो किसान अपने खेतों में पेड़ों को लगाएगा उसे सरकार की तरफ से पेड़ों की परवरिश के लिए सब्सिडी दी जाएगी, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ पौधे बहुत जरूरी है। लखीमपुर खीरी से संवाददाता विकास वर्मा की रिपोर्ट HBN न्यूज। प्रयागराज में फूलपुर के ज्वालापुर में जवाहरलाल क्रिकेट क्लब ने क्रिकेट का आयोजन किया, जिसका फाइनल मैच खेला गया। प्रयागराज में फूलपुर के ज्वालापुर में जवाहरलाल क्रिकेट क्लब के द्वारा क्रिकेट का आयोजन किया गया था, जिसका फाइनल मैच खेला गया। आपको बता दें कि फूलपुर के ज्वालापुर के दाताराम तालाब पर बने खेल मैदान में लगभग 10 दिनों से भव्य क्रिकेट का आयोजन किया गया, जिसका फाइनल मुकाबला आंखों देखा हाल सोमवार को खेला गया, जिसका मुकाबला जलालपुर और इनायत पट्टी के बीच हुआ, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए जलालपुर की टीम ने निर्धारित 7 ओवर में 90 रन बनाए। वहीं इनायत पट्टी की टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए चौके छक्के की बौछार से 2 विकेट गंवाकर मात्र 3 ओवर में ही विजय हो गई। क्रिकेट का मैन ऑफ द मैच इनायत पट्टी के सद्दाम को दिया गया, जो अपनी टीम को जीत के लिए लगातार 6 छक्के लगा चुके थे। बेस्ट बैट्समैन भी सद्दाम को ही चुना गया। बेस्ट बॉलर मोहम्मद केशु थे, जो विजेता टीम के कैप्टन थे, जिन्हें कमेटी द्वारा ट्रॉफी दी गई और सभी खिलाड़ियों को मेडल समेत नगद पुरस्कार भी दिया गया। वहीं उप विजेता टीम रही जलालपुर के खिलाड़ियों को भी मेडल और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्रिकेट का मैन ऑफ द सीरीज जलालपुर के सद्दाम हुसैन को दिया गया। पुरस्कारों का वितरण ग्राम प्रधान ज्वालापुर कमलेश कुमार, जवाहरलाल इंटर कॉलेज के प्रबंधक पंकज कुमार साहू और प्रधानाचार्य हजारी लाल यादव रहे। क्रिकेट के आयोजनकर्ता संदीप कुमार साहू और राघवेंद्र कुमार दुबे रहे। प्रयागराज से जिला संवाददाता रणविजय यादव की। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सिद्धार्थनगर जिले के अधिकतर सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों ने महाहड़ताल के लिए एक दिवसीय धरना बेसिक शिक्षा कार्यालय पर दिया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर
सिद्धार्थनगर जिले के ज्यादातर सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों ने महाहड़ताल के लिए एक दिवसीय धरना बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर दिया। धरनारत कर्मचारियों ने पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारी महाहड़ताल की तरफ अग्रसर होते नजर आए। वहीं जिले में कई संगठनों के लोगों ने एक साथ धरना दिया। इस धरनारत कर्मचारियों की सिर्फ एक ही मांग है कि पहले की तरह रिटायर होने पर उन्हें उनके वेतन का आधा रुपया पेंशन के तौर पर दिया जाए। शिक्षक संघ के कर्मचारी नेता ने बताया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 6 फरवरी से महाहड़ताल पर सभी कर्मचारी चले जाएंगे। इसके लिए सरकार का जो भी नुकसान होगा उसके लिए कर्मचारी जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि देश और प्रदेश की सरकार ही जिम्मेदार होगी। 1 अप्रैल 2005 के पहले के नियुक्त सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को जिस तरह से पुरानी पेंशन की व्यवस्था की गई थी कि रिटायर होने के अंतिम माह में उनको जितना वेतन मिलता था उसका आधा उनको पेंशन के रूप में, और उसके बाद समय समय पर उसमें जो परिवर्तन होता है, समय समय पर डीए बढ़ता था, वो सारी सुविधाएं मिलती थी। उस तरह की व्यवस्था हमारे 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त साथियों को जो समाप्त कर दी गई है उसे बहाल की जाए। आज हमारी यही जो मांग आपकी अनुरोध चलती है, इससे कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होती है और साथ अन्य विभागों के लोग भी हड़ताल पे हैं, सारी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। तो क्या सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो क्या करेंगे आप? अब सरकार की ये समस्या है, आखिर हमको पेंशन जो पहले से मिल रही है वो क्यों समाप्त किया गया, वो व्यवस्था दें। अब अगर उसके लिए कहीं से व्यवस्था प्रभावित हो रही है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, हम नहीं जिम्मेदार हैं। आज हमने सभी जनपद के मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया है। इसके बाद 28 तारीख को जुलूस, मशाल जुलूस हमारा निकलेगा और 6 फरवरी तक अगर हमारी मांग नहीं मांगी गई तो हम लोग 6 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जितने भी प्रदेश के कर्मचारी होंगे। और महाहड़ताल के समर्थन में धरने के दौरान ज्यादातर विभागों के कर्मचारी शामिल हुए। धरने के कारण जहां जिले के सभी प्राथमिक और जूनियर विद्यालय बंद रहे, वहीं कई विभागों में भी कामकाज ठप रहा। सिद्धार्थनगर से जिला संवाददाता सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, HBN न्यूज। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए HBN न्यूज। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर।